नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ भाई, फ्लाइट से रिलेटेड बात कर कर के, हालांकि मैं तो बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, बाकी जो लोग दुबई हैं, गल्फ, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत वगैरह, कतर को छोड़ के जिस भी देश आप जाना चाहते हैं, आप पूरे दिन मुझे लगता है फ्लाइटों के बारे में एडवाइस लेते होंगे, देखते होंगे कि कहीं से कोई नया अपडेट आया गया, लेकिन वही घिसे पिटे अपडेट चलते रहते हैं। हम भी यहाँ पे अपडेट से रिलेटेड बात करेंगे, हालांकि 4-5 दिन से मैं बात करूँगा। 21 जुलाई, 15 जुलाई तो गई, आप सबको पता है, अभी 21 जुलाई और 31 जुलाई पर मैटर चला गया। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। यूएई है जो बहुत सारे देशों को बैन करने में लगा हुआ है, आज यूएई ने भी, यूएई को किसी भी देश ने बंद कर दिया। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि यूएई की फ्लाइटों पे बैन लगा दिया। यूएई खुद खतरे से डर रहा है, यूएई से लोग डर रहे हैं, ये स्थिति हम क्लियर करेंगे। फ्लाइटों के बारे में हम अपने ओपिनियन बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको यूएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पता है 15 जुलाई तक का अपडेट कोशिश थी कि कुछ मिलेगा, फिर 21 जुलाई पे है, तो अभी 31 जुलाई तक तो बात पहुंच गई। कुछ फ्लाइटें हैं उन्होंने 31 जुलाई तक सस्पेंड के लिए बोला है, कुछ 21 जुलाई तक बोल रहे हैं। जी हाँ, इसमें अगर बात करें तो भाई जो वीए की फ्लाइटें हैं और ज़्यादा सख्त हो रही हैं। इंडिया सहित जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों के जो लोग हैं वो अभी वीए नहीं जा सकते, उनके ऊपर बैन है 14 दिन के भीतर। जी हाँ, जो लोग बता दूं 14 दिन इंडिया के लोग हैं, 14 दिन से पहले किसी दूसरे देश के थ्रू भी वो आना चाहते हैं तो उनको भी बैन किया गया। जी हाँ, अगर आप किसी देश के थ्रू जाते हो तो 14 दिन कम से कम वहाँ बिताने होंगे, फिर आप इनडायरेक्टली दुबई पहुंच सकते हैं। पहले तक ये था कि भाई जो इन देशों के लोग भी जा ही नहीं सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं जा सकते, ऐसे कुछ नियम बदलते रहते हैं। कुछ कभी कभी कुछ अपडेट आ रहा है, कभी कुछ अपडेट आ रहा है, अभी तक कोई फाइनल अपडेट आ नहीं रहा है। जी हाँ, 15 जुलाई की संभावना थी, 15 जुलाई को भाई कोई अपडेट नहीं आया, बल्कि कुछ कंट्रियों पर बैन और लगा दिया गया। जी हाँ, अभी 21 जुलाई है आज, आपको पता है 21 जुलाई भी अभी एक दो दिन में आई जाने वाली है, इसका भी क्या होने वाला है, मुझे नहीं लगता कुछ अपडेट आएगा, क्योंकि 31 जुलाई तक कई एक दो जो फ्लाइटें हैं उन्होंने घोषणा कर चुके हैं कि भाई 31 जुलाई तक हमें सस्पेंड का आदेश दिया गया, यानी फ्लाइटें 31 जुलाई से पहले तो स्टार्ट होने की संभावना ही नहीं, यानी 31 जुलाई ये तो पूरी की पूरी गई। अब 31 जुलाई तक देखते हैं क्या संभावना आती है। इधर इंडिया के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं उनको पहले बताया गया था कि भाई रैपिड टेस्ट 4 घंटे पहले चाहिएगा, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े इंटरनेशनल 4 एयरपोर्ट थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह, उन पे पूरी व्यवस्था करके रखी थी कि भाई पूरी तैयारी कर ली थी मेडिकल से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड। जी हाँ, इंडियन अथॉरिटी ने वो तैयारी करके बैठे हैं, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे हैं कि वहाँ दुबई के लिए फ़्लाइटें जाती हैं, 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं कि गल्फ देशों के लिए फ़्लाइटें जाती हैं, तो इंडियन अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो तैयारी करके बैठी है कि कभी भी आदेश हो जाए तो एक साथ भीड़ उमड़ेगी, तो हमारी जो मेडिकल से रिलेटेड तैयारी है वो पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब दुबई सरकार है वो आगे से आगे एक तरीके से गोली देती जा रही है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट ये है कि बता दूँ फिलीपींस ने, जी हाँ, दुबई वे की फ़्लाइटें बैन कर दी हैं अपने देश के लिए, यानी वे की फ़्लाइटें फिलीपींस नहीं जा सकती, आज की लेटेस्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो। जी हाँ, हालांकि फिलीपींस ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ वीआई को भी बैन करके रखा है, यानी वीआई को बैन करना एक बड़ी बात है, क्योंकि वीआई इन सब देशों को बैन कर रहा है कि यहाँ कोरोना हो रहा है, हमारे देश में कोरोना नहीं है, बाकी छोटी सी कंट्री है वीआई, उसमें भी अगर 1500-2000 केस पर डे आ रहे हैं तो बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो इस वजह से फिलीपींस ने भी वीआई की फ़्लाइटों पर रोक लगा दी है। भाई देखिए, बाकी ओपिनियन की अगर बात करें तो क्या है भाई, जितना नाटक वीआई सरकार कर रही है ना, कोई भी नहीं कर रहा यार, वैक्सीनेशन पर उनको भरोसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, जबकि फॉर्मेलिटीज पूरी और देश करके आ रहे हैं, तो इन देशों के क्या लोग नहीं जा सकते। जब यूएई में इंग्लैंड, यूएसए और यूके की फ़्लाइटें आ सकती हैं, सपोज करें यूके इंग्लैंड की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना आ रहे हैं, छोटी सी कंट्री में 25-30 हज़ार पर डे केस आना कोई छोटी बात है क्या, सोचने की बात है। इंडिया के सामने इंग्लैंड छोटी सी कंट्री है, उससे 25-30 हज़ार केस पर डे आ रहे हैं, फिर भी फ़्लाइटें आ रही हैं, और इंडिया के बेचारे लोग, इतनी बड़ी कंट्री है यार, 40-50 हज़ार केस आना कोई मामूली सी बात है, फिर भी फ़्लाइटें बैन करके रखना, और कोई कोविशील्ड का टीका, फलाना ढिमका, जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो भी पूरी करने के बाद में इन आप लोगों को अप्लाई नहीं किया जा रहा। देखिए वीए की सत्साल, देखिए वीए को लोगों की ज़रूरत है, मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, वीए ने बुला लिया, जिन लोगों की ज़रूरत है वो वीए बुला लेती है। जैसे वीए को किन की ज़रूरत है, इंडियन लोगों की, अगर एशियन कंट्री में गरीब लोगों को छोड़ के उनको सबकी ज़रूरत है, अगर दुबई, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका वगैरह कोई भी कंट्री है, एशियन में 10-12 कंट्री हैं, गोल्डन वीज़ा कौन ले सकता है भाई, करोड़पति आदमी हैं जो वीए का भला कर सकते हैं, उन लोगों को वो बुला रहे हैं, ठीक है जी। फिर वो 5 ईयर्स वाला वीज़ा है, जिनको सिल्वर वीज़ा बोल सकते हैं, उन लोगों को भी वो बुला रहे हैं।
बिजनेसमैन है टोटली, सब वही हैं गोल्डन वीज़ा वाले, उन सबको वो बुला रहे हैं, उनके लिए छूट है। राजनेता वगैरह पब्लिक उनको वो बुला रहे हैं, उनके लिए छूट है। कोरोना से रिलेटेड हॉस्पिटल में गल्फ देशों में आपको पता है 80% से ऊपर लोग एशियन लोग हैं, सबसे ज़्यादा जैसे इंडिया पाकिस्तान के वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर जिनको बोल सकते हैं, जो फ्रंट लाइन में बैठ के काम करते हैं, जिनमें निम्न स्तर में जैसे कंपाउंडर मान लीजिए इस तरह की जो है ना, नर्सिंग GNM BSc नर्सिंग की हुई स्टाफ वगैरह, डॉक्टर्स लोग तो विदेशी लोग हैं ज़्यादा। मैं बता दूं डॉक्टर्स लोग कौन है, UK US से बड़े स्तरों के लोग हैं, वो उनको नहीं ये दिक्कत है। जो लोग इंडिया के जो फ्रंट पेज पे काम करते हैं, जो मौत के मुंह में एक तरह से मान सकते हैं, उनको भी सरकार बुला रही है। अभी आपने देखा 2-3 फ्लाइटें गई हैं जिसमें मेडिकल वर्कर्स को बुलाया उन्होंने, क्योंकि उनको आगे रख के उनसे इलाज करवाना है। दिक्कत होगी तो इंडियन लोगों को होगी, सेफ लोग तो वो बैठे हैं ना, जबकि छोटे मजदूर लोगों को जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है वो उनको नहीं बुला रहे, उनको लगता है कि इनसे इंडिया दुबई में कोरोना फैल जाएगा। आप सोचिए, यानी सरकार की एक तरह से दोखली नीति चल रही है ऐसा। बाकी फ्लाइटें भाई टाइम धड़ाम धड़ाम कर करके आपको फ्लाइट बेवकूफ़ बना रही हैं। अब से फ्लाइट चालू हो रही है, बुकिंग चालू हो रही है, टिकटें बुक करवा लो, करोड़ों रुपए के लोगों ने टिकटें बुक करवा रखी हैं। किसी ने 21 जुलाई को स्टॉप कर दिया, किसी ने 31 जुलाई तक सस्पेंड कर दिया, इस तरह से माहौल चल रहा है। तो कहने का मतलब कुछ बहुत कुछ हो रहा है जो गलत हो रहा है, खास तौर से एशियन कंट्री के साथ में। और सरकार अपने स्तर पे बातचीत हो रही है, उसके बावजूद भी फ्लाइट ओपन तो झक मार के करनी पड़ेगी, नो डाउट। ठीक है, लोगों को कुछ को वीज़ा एक्सपायर हो जाएंगे, कुछ के जॉब चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इससे ये होने वाला है। बाकी फ्लाइटें तो श्योर चालू करनी ही करनी है, नो डाउट। ये बाकी 21 जुलाई को हो सकता है कोई अपडेट आ जाए, जो अगस्त में 21 जुलाई तक अपडेट जा रही है। बाकी हो सकता है 21 जुलाई को जैसे कोई बड़ी घोषणा हो जाए फ्लाइटें, भाई अगस्त में तब से हम स्टार्ट कर देंगे, ये कंडीशन है, इस तरह से कुछ फैसला आ सकता है। बाकी भाई मैं संतुष्ट नहीं हूँ ये सरकार से, कि खास तौर से यूरोपियन कंट्री, खास तौर से इंडिया के लोगों के साथ ये बहुत जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दूसरे देशों के वही फॉर्मेलिटीज करके आ रहे हैं, उनसे कोरोना नहीं फैलता। इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, इधर के लोग जो वही फॉर्मेलिटीज उनसे करवा लो, लेकिन उनसे कोरोना फैल रहा है। पता नहीं क्या माजरा, क्या सोच के इन लोगों को अप्लाई नहीं किया जा रहा है। बस ये अपडेट देनी थी भाई, और कोई अपडेट आएगी 1-2 दिन में तो हम ज़रूर शेयर करेंगे फ्लाइट से रिलेटेड। बस देखते रहिए न्यूज़ और दिल को तसल्ली देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय